made that music. Did anybody out there hear me? Hear me? Brothers Interior Designer Danish. तो मैं आपके लिए एक आज नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक एलसीडी पैनल बना हुआ है और ये एक डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लस एलसीडी लगेगा, प्लस मैं आपको अब दिखा देता हूँ मंदिर का डिजाइन का। आ जाइए, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमने अपना एक मंदिर का डिजाइन दिया है। यहाँ पे इसमें लाइट दी है ऊपर, यहाँ पे आप मूर्ति वगैरह रखेंगे, यहाँ पे एक बड़ी मूर्ति रखी जाएगी, यहाँ पे आप छोटी छोटी जो फ्रेम वाली मूर्तियां हैं वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ किचन। आइए, तो हमने ये बनाया है अपना एक एल शेप किचन। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि ये सब आपके पर्सनल यूजेस के लिए हमने बॉक्सेस दिए हैं, एंड ये बॉक्सेस दिए हैं, एंड यहाँ पे भी आपको बॉक्सेस दिए हैं जो आप यहाँ पे अपने पर्सनल यूजेस में जैसे मसाले वगैरह आप यूज कर सकते हैं। प्लस ये एक हाइड्रोलिक पल्ले दिए गए हैं जिसमें शॉकर रहता है, एंड ये आपका चिमनी वाला एरिया है, यहाँ पे आप चिमनी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत बड़े ड्रम्स वगैरह और सब चीज यूज करने के लिए दिया है, और यहाँ पे आपको बास्केट दिया है जिसमें आप बड़ी बड़ी प्लेट्स डालकर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी आपको मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ। ये भी आपको यहाँ पे जैसे कि आपके आटा है या चावल है वो सब चीज के लिए यहाँ पर बॉक्सेस दिए हैं। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये कटलेरी का डिजाइन है, इसमें आपके कफ वगैरह ये सब यूज किए जाते हैं। ठीक, अभी आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। अभी इसमें आप प्लेट्स वाली ट्रे है, ये इसमें प्लेट्स आप यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड हमने यहाँ पे दिया है, ये भी एक बड़ी प्लेट्स के लिए दी गई है, और ये आपका बोतल बास्केट है, यहाँ पे आप बोतल्स यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपका काफी स्पेस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे पानी के लिए हम लोगों ने दिया है। ठीक, एंड इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका आर ओ फिल्टर वाटर जो रहता है वो मशीन लग गया है। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे बेसिन दिया है, जैसे कोई भी पर्सन बाहर से आता है तो बेसिन यहाँ पे है, जब वॉश कर सकता है काम है। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ, ये हमारा बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम है ये। यहाँ पे हमने एक एलसीडी पैनल दिया है, प्लस उसके साथ में सीएनसी कटिंग दिया है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा सीएनसी कटिंग है, इसमें लाइट्स वगैरह यूज की जाती हैं। एंड सेकंड थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमने ये पूरा बेड बनाया है, बेड के यहाँ ऊपर हमने डिजाइन दिया है, यहाँ पे भी आपके लाइट्स वगैरह है। एंड जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये सब एरिया में आपको लाइट दिया गया है, राइट। एंड ये हमारा एक बाथरूम बना है, इस बाथरूम में आपको बहुत सारी चीजें यूज करने के लिए मिलेगी, जैसे कि आपके कपड़े वगैरह आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके अंडर गार्मेंट्स आप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिया गया है कॉर्ड टांगने के लिए जगह दी गई है, और ये आपका ड्रेसिंग टेबल है, तो आप ये ड्रेसिंग टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे मिरर आएगा, प्लस मेकअप एक्सेसरीज कॉस्मेटिक्स जो भी आप करना है वो अंदर आप कर सकते हैं। प्लस आपका जो ये एरिया हमने दिया है, यहाँ पे आपके जो बैग्स लगेज वगैरह रहेंगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो ब्रदर्स इंटीरियर डिजाइनर आपके लिए नई वीडियो लेकर आया था, तो नेक्स्ट हम आपको सेकेंड बेडरूम दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सेकंड बेडरूम में भी एक न्यू एलसीडी पैनल का डिजाइन दिया है, यहाँ पे आप एलसीडी यूज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आपका जो भी एक्सेसरीज यूज करना है वो आप कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड बेडरूम में हमने सीएनसी कटिंग डिजाइन दिया है, काफी बेटर डिजाइन है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे बेडरूम में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, सीएनसी कटिंग डिजाइन प्लस आपका बेड, ये आपका कुशन एरिया हो गया, यहाँ पे आपका वॉलपेपर लग जाएगा,
और यहाँ पे ऊपर वॉलपेपर के ऊपर हमने लाइट दिया है, और दोनों बेड के साइड में सेंटर टेबल है। एंड जैसे कि ये आपकी बाथरूम है, तो बाथरूम में आपको ड्रॉर दिया गया है, प्लस सेल्फ दिए गए हैं। ये फोल्डिंग सेल्फ है, आप इसको निकाल भी सकते हैं और वही एरिए में दोबारा रख सकते हैं। तो ये आपकी बाथरूम रही, और ये स्लाइडिंग है, काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट भी ये चलता है। एंड जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी में भी सेम वही डिज़ाइन दिया गया, प्लस ये देख लीजिए आपको दिखाया गया लगेज एंड बैगेज रखने की जगह है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सेकंड थिंग, ये हमने बेड में एक ड्रॉर दिया है, जो हम यहाँ पे अपना ब्लैंकेट्स कंबल वगैरह अंदर रख सकते हैं। एंड ये एलसीडी पैनल में भी हमने ड्रॉर दिए है, जो आपको रखने की चीजें होती है वो आप यूज कर सकते हैं।